हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। झारखंडी ब्लॉगर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी टाइम 5:30 बजा है और मैं फिर से झारखंड का पॉपुलर मार्केट जिसका नाम है मखमंद्रो, मैं मखमंद्रो सब्जी मंडी में पहुंच चुका हूं। आप सब देख सकते हैं दोस्तों, ये सब्जी मंडी के बारे में थोड़ा सा आप सभी दोस्तों को बता दूं। ये सब्जी मंडी सप्ताह में 2 दिन आज के दिन लगता है, मतलब मंडे का दिन लगता है, एक बृहस्पतिवार का दिन लगता है। और रांची से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी में ये सब्जी मंडी है दोस्तों। ये सब्जी मार्केट सुबह का 4:30 बजे से शुरू हो जाता है। सुबह सवेरे ही किसान अपने अपने सब्जी को लेकर के यहाँ पहुँच जाते हैं। देख सकते हैं आप, बहुत सारे किसान पहुँच गए हैं। कुछ ही देर में पूरा मार्केट जो पूरा भीड़ हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं किसानों और व्यापारियों से कि आज सब्जी का क्या रेट। तो आप मेरे चैनल झारखंडी ब्लॉगर बने रहे, जितने सारे न्यू दोस्त हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कॉपरेट करिए। तो चलिए मिलते हैं किसानों से। आप सभी दोस्तों को बताया था किसान से जानेंगे क्या सब्जी का क्या रेट है, तो पूछते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों को बीन दिखाता हूँ, ये बीन का क्वालिटी है, ये क्वालिटी है। भैया बीन कैसे जा रहा है, क्या रेट लगा है? रेट तो अभी लगा रहा है 40 लगा। 40 लगा है, आप क्या मांग रहे हैं? 45। अच्छा, 45 रुपये आप मांगे हैं। चलिए, तो हमारे किसान भाई हैं वो 45 रुपये इसका रेट मांगे हैं बीज का, और 40 रुपये इसका रेट लगा हुआ है। आप जानते हैं ये किसान भाई लोग से। भैया बीन कैसे बिक रहा है, क्या रेट मांगे हैं आप लोग? 40 बोल रहा है, 50 मांग रहे हैं। अच्छा, 50 आप लोग मांग रहे हैं, व्यापारी लोग 40 बोला। चलिए 45 में छोड़ दीजिएगा आप लोग ने। चलिए, मतलब 45 का आज बीन बिकने वाला है, देखते हैं। 50, बहुत सुंदर बीज है, बीज का क्वालिटी बढ़ रहा है। इसे धनिया 300 रुपये, देखिए 250 रुपये, 300 रुपये धनिया जा रहा है। बंद गोभी का रेट लगा भैया? बंद गोभी का रेट लग गया है, कैसे बोले हैं ये? आप क्या मांगे हैं? आप 25 मांगे हैं? आप क्या दे रहे हैं जी, बीन का रेट आप क्या दे रहे हैं? अच्छा, ये बंद गोभी का रेट 25 रुपये लगा हुआ है, देख सकते हैं। बहुत सुंदर बंद गोभी है, 25 रुपये बंद गोभी का रेट लगा है। तो यहाँ पे अदरक देख सकते हैं, पूरा अदरक का ढेरी लगा हुआ है दोस्तों। सारे किसान अपने अपने अदरक को लेकर के आए हैं और क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है। भैया अदरक कैसे बिक जाता है? 65 रुपये दाम लगा है। आप 65 लगाए हैं, मतलब अगला लगा चुका है 65 रुपये। चलिए, कल 60 था लेकिन आज 65 रुपये, मतलब 5 रुपये का इजाफा हुआ। उससे पहले 55 बिका था, कल 60 तक गया था, आज 5 रुपये ज़्यादा, मतलब बढ़िया क्वालिटी का जो अदरक है 65 रुपये आज रेट लगा हुआ है। हमारे किसान भाई कैसे मांगे आप? 70। ये किसान भाई जो है 70 रुपये मांगे थे, और ये देख सकते हैं अदरक। सारे किसान अपने अपने सब्जी को लेकर के यहाँ पे खड़े हैं, मतलब खास इस जगह में पूरा अदरक ही भरा हुआ है, ये देख सकते हैं पूरा अदरक है। भैया अदरक कैसे बिक रहा है? 60-62 बिक रहा है। पुरनका अदरक कैसे जा रहा है? पुरनका 130 जा रहा है। तो ये देख सकते हैं अदरक 60-62-65 का बिक रहा है अदरक, और पुराना वाला 130 रुपये बिक रहा है। ये क्वालिटी, तरह तरह का यहाँ पे अदरक आपको मिल जाएगा, बेहतरीन क्वालिटी का अदरक मिल जाएगा। देख सकते, मैं जूम करके बता दूँ आप सभी दोस्तों। अदरक कैसे बिक रहा भैया? आधी भी बेचा रहा है, 50 से लेकर 60 तक। 50 से लेकर 60 तक, मतलब जैसा आधी वैसा आधी वैसा दाम, सबसे टॉप क्वालिटी के 60% हो जाता है। चलिए, खीरा का क्या रेट लग रहा भैया? 14 रुपये। ये खीरा देख सकते हैं दोस्तों, ये ड्रिप का खीरा है और बहुत सुंदर खीरा है, लोकल है। आज 14-15 रुपये खीरा बिक रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। ये किसान भाई हमारे हैं, चाचा जी लाए हैं फूलगोभी। कैसे बिक रहा भैया? 65 रुपये आप रेट लगाए। व्यापारी लोग क्या रेट लगाए? 40-50 लगा रहे हैं। ये फूलगोभी देख सकते हैं, पत्ता तोड़ के है दोस्तों, और 65 रुपये केजी हमारे जो अंकल है 65 रुपये केजी इसका रेट लगाए हैं, और व्यापारी सब इसका 40-45 रुपये रेट दे रहे हैं। ये देख सकते हैं, बहुत सुंदर गोभी है, बहुत क्वालिटी का गोभी है, ये देख सकते हैं पत्ता तोड़ के, बहुत ही बढ़िया है। और 65 रुपये इसका रेट लगाया है हमारे चाचा जी, देख सकते हैं ये, और 40-45 का रेट लगा है। टमाटर है 50 रुपये रेट लगाए हैं, आप क्या दे रहे हैं? 20 रुपये देंगे। आप 20 रुपये लगाएंगे? चलिए, ये लेने वाले हैं लोकल व्यापारी आके, और 20 रुपये इसका रेट लगा रहे हैं ये। यहाँ पे ओल देख सकते हैं, और ये लोकल ओल है भैया,
अच्छा, एक मद्रासी ओल होता है, एक लोकल ओल होता है ना, तो ये ओल का क्या रेट लगा है? क्या रेट लगा है? 40 आप बोल रहे हैं, व्यापारी लोग क्या बोल रहे हैं? व्यापारी सब क्या बोल रहे हैं? 35 चलिए 35-40 हमारे किसान भाई बोले हैं 35-36 रुपये व्यापारी सब क्या रेट लगा है। सबसे अनोखा चीज़ देख सकते हैं अभी का समय में, सबसे अनोखा यही है, यूनिक है अभी का समय में, बरसात का समय है और रेट इसका इतना हाई है कि आम इंसानों का बस का बात नहीं है खाने का। क्या सर सही बोल रहे हैं ना? ये देख सकते हैं इसका नाम है धनिया जी। धनिया कैसे बिक रहा भैया? 300 रुपया आप रेट लगाए हैं, व्यापारी लोग क्या बोले हैं? व्यापारी लोग बोलता है 260 तक गए हैं व्यापारी लोग। मतलब देख सकते हैं यहाँ पर अगर एक बोरी आप धनिया लाएं तो आप एक बाइक खरीद सकते हैं, इतना रेट है धनिया का। चलिए आगे, ये ओल है, ये देहातिया ओल है, ये देहाती सब लग रहा है। ओल का रेट लगा? अच्छा जी, अभी अभी आया। अच्छा, मिर्चा कैसे? मिर्चा यहाँ पे देख सकते हैं, मिर्चा कैसे भैया? 100 रुपया आप बोले, आप क्या रेट लगा रहे हैं? कैसे बोला आप क्या रेट लगा, आप बोल दीजिए। 70 लगा रहे हैं मिर्चा पे देख सकते हैं। और भैया जी से पूछते हैं कि भिंडी कैसे बिक रहा है? भैया भिंडी क्या रेट लगा है, व्यापारी लोग क्या बोले हैं भिंडी का रेट? हाँ, भिंडी का क्या रेट लगा है? 30 रुपया। आप 30 लगा है, जो लेने वाले व्यापारी लोग हैं वो क्या बोले हैं? 20। चलिए 20 रुपये रेट लगा है। यहाँ पे सुंदर सुंदर बरबट्टी देख रहे हैं, ये एकदम झारखंडी बरबट्टी है। भैया बरबट्टी का क्या रेट लगा है? 25 रुपये आप बोले हैं कि व्यापारी लोग लगाए? आप बोले हैं, व्यापारी सब क्या देते हैं? 20 रुपये लगा है। चलिए ये बरबट्टी देख सकते हैं, मतलब एक मुट्ठी में 1 kg है। अच्छा, ये रबड़ बंधा हुआ बरबट्टी है, एक मुट्ठा में 1 kg हो जाता है, ये देख सकते हैं। बरबट्टी का रेट लग गया, बरबट्टी का रेट लगा? 30 बोलते हैं, रेट का लगा है, व्यापारी लोग क्या बोले हैं? 20 रुपये बोल रहे हैं। ये 30 रुपये किसान सब लगाए हैं रेट, और व्यापारी सब इसका 20 रुपये रेट लगा है। यहाँ पे लहसुन देख सकते हैं, थोड़ा सा लहसुन लेकर के भैया जी आए हैं। भैया लहसुन का क्या रेट लगा, कैसे बिक जाता है लहसुन? 350 बिक जाता है, बहुत रेट है लहसुन का ना। यहाँ पे देख सकते हैं, ये साखिन है और ये टोटी है। भैया आप साखिन लेकर के, साखिन का क्या रेट लगा है? मतलब 18 बोल रहे हैं तो। आप 18 बोले, कैसे बिक जाता है ये? 16-17 बिकता है। टोटी तो 40 पर 35 तक आ रहा, 35 तक आ रहा। चलिए ये टोटी लोकल यहाँ का टोटी है और 35 तक इसका रेट लगा हुआ है और 40 रुपया हमारे किसान भाई बोल रहे हैं इसका। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बंद गोभी है। और भैया बंद गोभी कैसे बिक रहा है? बंद गोभी अभी रेट नहीं लगा, ऐसे हम लोग 20-22 रुपये बोल रहे हैं। आप लोग 20-22 रुपये बोल, मतलब 19-20 बिक जाएगा ना? 19-20। चलिए बंद गोभी देख सकते हैं, पूरा भरा हुआ है बंद गोभी, चिपटा वाला बंद गोभी है दोस्तों, और 19-20 बिक जाता है, 22 रुपया हमारे किसान भाई मांग रहे हैं। मिर्ची देख सकते हैं, मिर्ची आज बहुत कम आया है इस मार्केट में और बहुत अच्छा क्वालिटी का मिर्ची है। भैया मिर्ची कैसे बिक रहा है, व्यापारी लोग कार लगाए मिर्ची? अभी तो मिर्ची का रेट नहीं लगा। कैसे बिक जाता है? 100 रुपया बोल रहा है। एक सौ, मतलब 100 रुपया तक गया है। और ये बैगन देख सकते हैं, नीला वाला बैगन, काना वाला दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बैगन देख सकते हैं, भैया बैगन कैसे बिक जाता है? बैगन 25-28 का आसपास बिकता है। चलिए ये भी एनआर का बैगन है ना? हाँ, बैगन 25-28 रुपये तक बिकता है ये बैगन। और यूनिक चीज देख रहे हैं, अभी के दौर में यूनिक ही है धनिया, समझे ना? धनिया इतना आसानी से उपजाया नहीं जाता। भैया इसका क्या रेट लगा है, व्यापारी लोग क्या रेट लगा है? 280 रुपये तक रेट लगा हुआ है। आप लोग क्या मांग रहे हैं? 350 आप लोग बोल रहे हैं। चलिए ये धनिया 350 रुपये हमारे किसान भाई बोल रहे हैं और 280 रुपये तक लगा। अभी तक पूरा मार्केट में सिर्फ हमको लगता है कि 15 kg आसपास धनिया देखे होंगे, 15-20 kg धनिया देखे होंगे। कैसे? जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों को बोला था कि कुछ ही देर में पूरा मार्केट जो है भीड़ हो जाएगा, तो आज मार्केट अभी कुछ ही देर में भीड़ हो चुका है। और अंकल जी से पूछते हैं कि आज बंद गोभी कैसे जा रहा है, तो अंकल जी बंद गोभी कैसे जा रहा है आज? बंधा 20-22 रुपये जा रहा है।
और अदरक कैसे जा रही है आपका अदरक है? नहीं मेरा नहीं, पूछ रहा है ना। 125 वाला पुराना, पुराना वाला 125 जा रहा है, 50 से 60 तक जा रहा है। अच्छा अच्छा, ये हमारे किसान सब है और पूरा अपने अपने बीन कैसे जा रहा भैया? बीन का क्या रेट लग रहा है? व्यापारी लोग क्या रेट लगा? बीन अभी तो 40-45 का जा रहा है बीन। ओल देख सकते हैं और आपका ओल है, इनका ओल कैसे बिक रहा भैया? ओल ओल का क्या रेट लगा है? 35 लगा है। 45 आप लोग बोल रहे हैं, व्यापारी लोग क्या बोल रहे हैं? 35। चलिए आप लोग 45 बोल रहे हैं, व्यापारी लोग 35, मतलब हमारे किसान भाई ये ओल का 45 रुपये रेट लगा है दोस्तों, लगाए हैं। और इसका जो व्यापारी लोग है इसका 35 रुपये रेट लगा चुके हैं। और यहाँ पे धनिया और देख सकते हैं, आपका धनिया भी है, आप ही का धनिया है। धनिया कैसे बिक रहा है? 300 रुपये आसपास जा रहा है। चलिए 300 रुपये धनिया जा रहा है। देख सकते हैं गोल वाला बैगन है दोस्तों, ये बैगन देख सकते हैं, बढ़िया बैगन है गोल वाला। भैया बैगन कैसे जा रहा है? 30 का जा रहा है। लोकल बैगन की बाहर से आया हुआ है? अच्छा लोकल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो को डेली देखते हैं। चलिए थैंक यू। तो ये 30 रुपये आसपास बिक रहा है, 30 का दे रहे हैं आप। कितना केजी का भर्ती है भैया इसमें? 15 केजी का भर्ती है, मैंने 15 या 45 450 रुपये का आप दे रहा है एक पन्नी। 15 केजी का पन्नी है और 450 रुपये पन्नी बिक रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा डैमेज है, उससे उतना अच्छा नहीं है, इसको क्या दे रहा है? 12-13 रुपये दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए आपसे। और यहाँ बरबटी देख रहे हैं भैया, बरबटी कैसे जा रहा है? बरबटी आपका जा रहा है 20 रुपये जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं किसान भाई लाए हैं बैगन, ये लंबा वाला बैगन है? लंबा तो नहीं है भैया, छोटा वाला। अच्छा छोटे है, चलिए। लेकिन क्या रेट बिक रहा है भैया? व्यापारी लोग क्या बोल रहे हैं इसका रेट? 30 बोले हैं। आप क्या मांग रहे हैं? आप ही 30 मांगे हैं, व्यापारी लोग क्या मांगे हैं? 22-23 का मांगे। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं पूरा। तो यहाँ पे गोभी देख सकते हैं भैया, गोभी कैसे बेचे है? हेलो ओ भैया, गोभी कैसे बिका है? गोभी आपका है, कैसे बेच दिए? 22 का बेचे हैं। ये देख सकते हैं गोभी दोस्तों, और ये बंधा हुआ है, मैं इसका क्वालिटी नहीं बता सकता, लेकिन लगभग वजन कितना होगा? हाफ केजी आसपास होगा? एक केजी 3 पाव, हाफ केजी सब मिला हुआ है ना। चलिए 22 रुपये जो फूलगोभी है बिक चुका है, 1 केजी से लेकर के 400 ग्राम तक यहाँ पर फूलगोभी है। आपका खीरा है, क्या रेट लगा है? व्यापारी लोग क्या बोले हैं? 30 रुपये बोले। कैसे? 30 रुपये। 30 आप लगा रहे हैं, व्यापारी लोग क्या बोल रहे हैं? व्यापारी लोग कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहा। 30 नहीं बिक रहा है, ये 12-14 का खीरा जा रहा है। 30 बोलिएगा तो भाग जाएगा लोग, समझे ना। मिर्ची किसका भैया? आपका मिर्ची है, कैसे रेट लग रहा भैया मिर्ची का? आप लगाए हैं, व्यापारी लोग क्या बोल रहे हैं? 70 तक लगाए। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे किसान भाई जो हैं लोकल टमाटर निकाल लिए, तो टमाटर कैसे बिक रहा है आज? 35 आप लोग रेट लगाए हैं, व्यापारी लोग क्या बोल रहे हैं रेट का? 30-32 तक गए हुए हैं। चलिए लोकल टमाटर का 30-32 तक आज रेट लग चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। गोल वाला बैगन है, बहुत सुंदर चमक रहा है बैगन। भैया बैगन कैसे जा रहा? बैगन 40 आप लोग बोल रहे हैं? नहीं, हम लोग 45 बोल रहे हैं। हम लोग 45। रेट क्या लगा है? रेट 40 रुपये। अच्छा 40 रुपये कुछ को बेच चुके हैं ना, लोकल वाले जो है 40 रुपये यहाँ पे ले चुके हैं, देख सकते हैं। बैगन बहुत सुंदर कलर का बैगन है, बैगन देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सुंदर क्वालिटी का बैगन है। और भैया से पूछते हैं कि आज बैगन का क्या रेट जा रहा है? भैया जी बैगन कैसे बिक रहा है आज? 35 का रहा, हम लोग तो 45 मांग रहे हैं। अच्छा 35 रुपये इसका रेट लगा हुआ है, आप लोग 45 मांग रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? बिजलिया से आए। बिजलिया से आए, तो ये कौन सा बैगन है? नाम बताइए। हम बताते हैं बैगन मतलब हम बताते। अच्छा आप बताते हैं? हम किसान हैं। हाँ मेरा नाम अनिल कुमार महतो है। अच्छा मेरा घर है रातू बिजुलिया। रातू बिजुलिया, और ये बैगन कौन सा बैगन है? VNR 212। VNR 212 कितना दिन में हो जाता है ये रोपने के बाद? वही करीब 65 दिन इसका लग जाता है। इसको ये देख ग्राफ्टेड पौधा से है। अच्छा ग्राफ्टेड पौधा से है, मतलब ये एक बार समझाइए ग्राफ्टेड क्या होता है? ग्राफ्टेड ही है ना, इसमें ग्राफ्टेड ही है ना,
जी, कि इसमें जड़ है कुछ अलग, अच्छा पौधा कुछ अलग, मतलब ग्राफ्टेड, मतलब जैसे हाइब्रिड हम लोग बोलते हैं जो, नहीं हाइब्रिड नहीं, जोड़ने वाला, अच्छा जोड़ने वाला कलम करके बनाया जाता है, जो जैसे आम कलम किया हुआ है ना, जी जी जी, आम कलम किया है, किया जाता है उसी टाइप का, ये जो बैंगन का पौधा उसको कलम किया जाता है, जंगली बैंगन में ही, जंगली बैंगन को, अच्छा जंगली बैगन में ग्राफ्टेड करके दूसरा चीज लगा दिया जाता है, अच्छा क्वालिटी का बैगन लगाया जाता है, चल तो ग्राफ्टेड टिला बैगन है यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा रेट बता दीजिए उसका, ग्राफ्टेड ग्राफ्टेड बैगन का जो ये आता है, एक पौधा 12 रुपया का, 12 रुपया का सिर्फ, मतलब फर्स्ट एक पौधा लगाया 12 रुपया लग गया यहाँ पे, खाद बीज अलग चीज लगता है, मेहनत अलग है, लेकिन 12 रुपये एक पौधा का रेट लगा, चलिए बताने बोला नहीं मरे लेकिन आधा से ज्यादा मरे, अच्छा नहीं मरने का शिकायत नहीं बोले थे, बोला लेकिन मरा, फिर भी मरा, तो लागत बहुत ज्यादा है, बात करने के लिए और इतना सारा जानकारी देने के लिए आप सब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो भैया, आज कैसे जा रहा है, आज व्हाइट वाला बैगन कैसे जा रहा है, व्हाइट वाला बैगन आज कैसे जा रहा है, व्हाइट वाला बैगन आज कैसे जा रहा है, 450 रुपये बेच दिए हैं, ये 450 रुपये 15 kg का पनी है, 15 kg का पनी है, 450 रुपये, मतलब 15 × 45 30 रुपये के जी जा रहा है, देख सकते हैं लौकी, लौकी कैसे जा रहा है भैया, लौकी कैसे जा रहा है, 400 रुपये पैकेट लौकी बेच रहे हैं यहाँ पे, और ये टोटी 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 कैसे जा रहा है, टोटी कैसे दे रहे हैं जी, 400 रुपये टोटी, 15 kg, अच्छा नहीं है, 10 kg 15 kg का 400, 15 kg का ये भी 400, लौकी भी 450, 15 kg का नेनुआ 450, चलिए 15 kg का नेनुआ, मतलब यहाँ पे जितना है सब 15 kg का है, 400 और ये 350। टमाटर कैसे लिए भैया, 700 रुपये के रेट, टमाटर 700 रुपये के रेट यहाँ पे गया, यहाँ पे देख सकते हैं बाहर का सब्जी यहाँ पे भरा हुआ है, और खीरा वाले भैया से पूछते हैं कि आज खीरा कैसे जा रहा है, पूरा बड़ा बड़ा ट्रक यहाँ पे टमाटर का पहुँच चुका है, 700 रुपये बेंगलुरु टमाटर, यहाँ पे बेंगलुरु टमाटर है 700 रुपये, क्वालिटी आप सब बोलते हैं क्वालिटी नहीं दिखाते हैं, क्वालिटी में आप सभी देखो तो दिखाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन क्वालिटी दिख नहीं रहा है, ये क्वालिटी है बेंगलुरु टमाटर का, और 700 रुपये टमाटर जा रहा है, पूरा टमाटर देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है टमाटर, 700 रुपये जा रहा है, ये लौकी 250 रुपये जा रहा है, 250 रुपये लौकी, बताओ 400 रुपये खीरा, 15 kg का है, 20 kg का है, 20 kg का खीरा है, 250 रुपये बेच रहे हैं यहाँ पे, 250 रुपये खीरा जा रहा है, 20 kg का पन्नी है, और 250 रुपये ये खीरा पर पन्नी के हिसाब से जा रहा है, खीरा कैसे बेच रहे भैया, 250, 20 kg का पन्नी, 20 kg का पन्नी है ना, चलिए 20 kg का पन्नी खीरा 250 रुपये जा रहा है, टमाटर 700 रुपये जा रहा है, बोले आम फल है, और 22 रुपये परवल जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, और ये वाला मिर्ची कैसे जा रहा है, 70 का ये मिर्ची जा रहा है, बाहर से आया मिर्ची है, मोटा है लेकिन 70 रुपये जा रहा है, पतला है मोटा, बोलो और शिमला मिर्च कैसे जा रहा है भैया, शिमला 1000 रुपये शिमला मिर्च देख सकते हैं, बाकी दोस्तों जो भी सब्जी का रेट था मैंने आप सभी दोस्तों को बहुत विस्तार पूर्वक से बता चुका हूं, और आज का वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्त यार को जरूर शेयर करिए, और जितने सारे न्यू दोस्त हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट में, थैंक यू।